मैं हूँ रंजन कुमार पात्र। मेरे पास एक है रेडमी नोट 11T 5G। तो ये आपकी रेडमी नोट 11T 5G का हैंडसेट है। तो इस वजह से देखिए उसको मैंने स्विच इन करता हूँ, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने उसको MI लॉक हुआ था, तो उसको मैंने MI लॉक डिजेबल किया था। उसके बाद यह इस तरह दी सिस्टम आज भी डिस्टर्ब हो गया। ये देखिए डस्टर हो गया। तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको मैं अभी फ्लैशिंग करूँगा, तो कैसे उसको फ्लैशिंग करूँगा वो मैं डिटेल्स में बताऊँगा। और अब दोस्तों उसको फ्लैशिंग करने के लिए हमको MTK का ड्राइवर चाहिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसकी जो फ्लैश फाइल कहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे या किस तरह आप डाउनलोड करेंगे वो बारे डिटेल्स में बताऊँगा। और यहाँ पर मैंने उसको अनलॉक टूल पर फ्लैश करूँगा, ठीक है दोस्तों, अनलॉक टूल पे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो मैंने अभी मेरे को जाना है उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए, आपको जाना है गूगल क्रोम। तो यहाँ देखिए मैंने गूगल क्रोम जाने का यहाँ पर सर्च किया रेडमी नोट 11T 5G फ्लैश फाइल। तो यहाँ पर उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट टॉप पे आता है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो वर्सन है उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए। देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पर डाउनलोड हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया। लेकिन उसके बाद ये डाउनलोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर पर उसको रखना होगा। यहाँ पर देखिए तो ये उसकी जो फ्लैश फाइल जो डाउनलोड हुआ था, तो उसको मैंने एक फोल्डर पर रख लिया। तो रखने का यहाँ पर उसको मैंने अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। और एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका जो बूट की है, ये जो 11T 5G की बूट की है, बोलना प्लस और माइनस दोनों, आप जब ये उसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को सेम टाइम प्रेस करके आपको USB डाटा केबल को कनेक्ट करना है। उसके बाद आपके फ़ोन कनेक्ट हो गया या फ्लैश हो गया। और उससे पहले यहाँ पर देखिए उसकी जो बैक पैनल का मैं फिर से ओपन कर लेते हूँ। और बैक पैनल को ओपन करने के बाद मैंने उसकी जो बैटरी था कि दोस्तों तो बैटरी था तो उस बैटरी को मैंने यहाँ पर रिकनेक्टिंग कर रहा हूँ। देखिए उस बैटरी को मैंने अभी रिकनेक्टिंग कर रहा हूँ और उसका फिर से उसका यहाँ पर उसकी सेटअप फिर से सेटअप कर लेता हूँ, नहीं तो ये उसकी जो वॉल्यूम प्लस और माइनस की जो प्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके साइज का जो बॉर्डर है उसको मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको फोन अभी हो गया। अभी यहाँ पर मैं आराम से उसको वॉल्यूम प्लस माइनस को प्रेस करके उसको कनेक्ट कर लूँगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर और एक बात दोस्तों देखिए, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी MTK का ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है और लिप USB ड्राइवर भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप उसको कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो उसके अंदर ये उसकी फ्लैश फाइल, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पर कट कर लेते हूँ और उसके बाद यहाँ पर अनलॉक टूल को ओपन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अनलॉक टूल को ओपन करने का तो यहाँ पर मैं जाता हूँ MediaTek पर, और यहाँ पर MediaTek पर क्लिक करने के बाद उसके बाद है फ्लैश मेटा MTK यूनिवर्सल। तो मैंने MTK यूनिवर्सल पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर है डॉम्प फाइल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने जो डॉम्प फाइल है उसको क्लिक किया और उसके मेरा जो फ्लैश फाइल जहाँ पर है मेरे तो डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप मैंने फ्लैश फाइल ओपन किया और इमेज ओपन किया और यहाँ पर है स्कैटर फाइल, उसको स्कैटर फाइल को ओपन किया, ठीक है दोस्तों। तो स्कैटर फाइल को ओपन करने का यहाँ पर देखिए आपकी स्कैटर फाइल आ चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पर आपको स्पेशल पर है, यहाँ पर आपको जनरल पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जनरल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्लैश पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्लैश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वेटिंग पर डिवाइस, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम प्लस बटन और वॉल्यूम माइनस बटन दोनों की को सेम टाइम प्रेस करके आपकी जो USB केबल को यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए आपके फ़ोन यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है और आपके फ़ोन फ्लैशिंग भी हो रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर दे दीजिए। यह है आपकी
रेडमी नोट 11T 5G के फ्लैशिंग का सॉल्यूशन है। ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए आपको MTK का ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है। ये देखिए आपकी फ्लैशिंग अभी कंटिन्यू हो रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपकी फ़ोन कनेक्टेड है और यहाँ पर आपकी फ़ोन भी कंटिन्यू हो रहा है। ये देखिए आपके फ्लैश कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फ्लैशिंग अभी ख़त्म हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर तो फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन भी रिस्टार्ट हो रहा है और आपकी जो प्रॉब्लम था वो भी और ये प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फोन अभी स्टार्टिंग भी ले रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को अच्छा लगे लाइक जरूर दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आपकी फोन स्टार्टअप भी हो गया है और ये है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को अच्छा लगता है लाइक जरूर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करके जाना है।